तो गाइस यार क्या हमारा बीजीएमआई फिर से यहाँ पे बैन होने वाला है? बिकॉज यार अभी तो हमारा गेम आया है, क्या उसको फिर से यहाँ पे जो है बैन कर दोगे? चलो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है पूरा मामला क्या चल रहा है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना गाइस। इसी बीच यहाँ पे जो है अपने टेंसेंट ने फिर से एक और नया गेम जो होता है वो यहाँ पे लॉन्च कर दिया है हमारे इंडिया के अंदर भी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर जाओगे तो वहाँ पे जाने के बाद अगर आप सर्च करोगे अनडाउन तो एक टेंसेंट का नया गेम जो होता है हमको देखने को मिल चुका है। आप लोग जो है आज से ही यहाँ पे उस गेम को डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आप खेल नहीं पाओगे। उसके सर्वर जो है वो यहाँ पे दो दिन के बाद ओपन होंगे, लेकिन गाइस वो एक रियल वर्ल्ड बेस्ड गेम होने वाला है। मतलब कोई बैटल रॉयल गेम नहीं है, जस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे एक स्टोरी मोड गेम जो होता है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे होगा। जैसे उसको आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद काफी सारे रिसोर्सेज पैक जो होते हैं उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा गेम है यार, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो एक टेंसेंट का गेम है, ठीक है, अब वो कभी भी बैन हो सकता है, इसके बारे में तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो गाइस सोच समझ के आप लोग यहाँ पे जो इसको डाउनलोड कीजिएगा। ऑलराइट, ठीक है, अब बात करते हैं मेन आप लोगों के लिए कि भाई यार क्या सीन चल रहा है, फिर से क्यों बैन वैन के बारे में बात चल रही है मार्केट में। गाइस क्या इससे हमारे यहाँ पे जो है बीजीएमआई को काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो यार जो हमारे यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने यहाँ पे जो है वापस से बताया कि भाई फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव प्रिपेयर्ड ए फ्रेमवर्क रिगार्डिंग ऑनलाइन गेमिंग, इन दैट वी विल नॉट अलाउ थ्री टाइप ऑफ गेम्स इन द कंट्री, गेम दैट इन्वॉल्व बैटिंग, गेम दैट कैन बी हार्मफुल टू द यूजर, गेम दैट इन्वॉल्व ए फैक्टर ऑफ एडिक्शन। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट को देखने के बाद क्या सीन हुआ ना कि डेफिनेटली यहाँ पे जो है सबको लगा कि भाई गया हमारा बीजीएमआई जो है वापस से यहाँ पे गया, और अब आपको पता है अगर अब गेम गया तो अब दोबारा जिंदगी में यहाँ पे जो है कभी नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसको देखने के बाद तो काफी सारे लोग यहाँ पे जो है बीजीएमआई को टारगेट करना यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है तीनों के बारे में काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे जो है समझ में आए कि ये जो है सिर्फ बीजीएमआई के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये जितने भी हमारे इंडिया के अंदर गेम चल रहे हैं या फिर दोस्तों एप्लीकेशन चल रही है उनके बारे में यहाँ पे जो है बात की जा रही है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे गेम दैट इन्वॉल्व बैटिंग, ठीक है। ये जो गेम्स होते हैं जो बैटिंग को इन्वॉल्व करते हैं उनको पहले यहाँ पे जो है बैन करके हटाने को यहाँ पे कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि दोस्तों वन एक्सपेक्ट हो गया, लोटस हो गया, आपके लिए यहाँ पे ड्रीम इलेवन हो गया, ठीक है। अब बेसिकली क्या सीधा नहीं गाइस कि कुछ टाइम पहले भी यहाँ पे जो है 3 महीने पहले की बात है कि इनको यहाँ पे जो है बैन करने की बात की गई थी, ठीक है। लेकिन काफी सारे एप्लीकेशन तो बैन हो गए थे, लेकिन जो ड्रीम इलेवन है वो यहाँ पे जो है बच गया था, ठीक है। लाइक ड्रीम इलेवन को यहाँ पे जो परमिशन मिल गई थी प्ले स्टोर पर लॉन्च होने की, बिकॉज उन्होंने यहाँ पे बताया था कि ये लक बेस्ड गेम होता है, 60% आप लोगों का यहाँ पे जो है दिमाग लगाना पड़ता है, 40% आपका जो लक होता है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ऐसे करके यहाँ पे जो गवर्नमेंट को बताया गया था, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है इसको इन्फॉर्मेशन दी थी कि हाँ आप लोग जो है आपके ड्रीम इलेवन को प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पर यहाँ पे डाल सकते हो। अगर बात करें सेकंड चीज के बारे में तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है गेम कैन बी हार्मफुल टू द यूजर, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है ना गाइस उसके अंदर भी यहाँ पे जो जैसे कि आपको पता है काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे फ्री फायर एंड गाइस पबजी मॉल के अंदर अपने पेरेंट्स का बैंक अकाउंट को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, काफी सारे पैसे निकाल लेते हैं सिर्फ स्किन्स को परचेज करने के लिए, ठीक है। लेकिन गाइस इस चीज का ऑलरेडी यहाँ पे जो है हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जैसे कि आपको पता है कि जब से यहाँ पे जो है 18+ की जो चीजें हैं वो यहाँ पे जो है डाली गई है, जब से दोस्तों 18+ का जो एक फॉर्मूला है उसको यहाँ पे ऐड किया गया हमारे इन इस टाइप के गेम्स के अंदर बीजीएमआई एंड पबजी मोबाइल के अंदर, तब से सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे जो है काफी कम देखने को मिली है। बिकॉज 18+ के आने के बाद एक पेरेंटल कंट्रोल जो होता है उसको भी यहाँ पे जो है ऑन कर दिया गया है ताकि दोस्तों जो भी एक्टिविटी हो रही है वो हमारे पेरेंट्स जो होता है इनके, लाइक अगर बच्चा कुछ भी कर रहा है तो उसके पेरेंट्स को यहाँ पे जो है पता चल जाती है, ठीक है। तो ये बीजीएमआई एंड गाइस पबजी को तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है रिमूव अपने आप ऑलरेडी यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो इससे इस वाले पॉइंट से तो यहाँ पे जो है कोई डरने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। थर्ड अगर बात करें तो वो दोस्तों गेम दैट इन्वॉल्व ए फैक्टर ऑफ एडिक्शन, यहाँ ये देखो गाइस ये वाला पॉइंट देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, गेम जो एडिक्शन को यहाँ पे जो है इन्वॉल्व करता है, तो उसके अंदर भी गाइस आप लोग यहाँ पे देखो देखो ये जो चीज है ना बैटिंग एप्लीकेशन जो होती है उसको भी यहाँ पे इन्वॉल्व करती है, ठीक है। नॉर्मल गेम जो होता है वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व करती है, लेकिन इससे भी हमारा बीजीएमआई एंड गाइस पबजी मोबाइल यहाँ पे जो है बच चुका है, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे जो एक टाइमर लगा रखा है, अगर आप 18 से नीचे हो तो 3 घंटे खेल पाओगे, अगर आप 18 से ऊपर हो तो भी यहाँ पे जो है 6 घंटे ही खेल पाओगे, तो भी हमारा बीजीएमआई जो होता है वो यहाँ पे बच चुका है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सिर्फ बीजीएमआई की बात नहीं है, ये बात है गाइस पूरे जितने भी गेम चल रहे ना मार्केट में उन सभी के बारे में, ठीक है। तो ये सिर्फ बीजीएमआई को इन्वॉल्व नहीं करता है, सभी गेम्स को यहाँ पे इन्वॉल्व करता है। बीजीएमआई वैसे भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट के सारे रूल्स को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बाकी दोस्तों यार आप लोग मेरे को बताओ कि जो टेंसेंट का नया गेम आ रहा है अनडाउन, क्या आप लोग उसको यहाँ पे जो है खेलने का ट्राई करोगे? बिकॉज ग्राफिक्स तो काफी ओपी है उसके यहाँ पे, बाकी हमारा बीजीएमआई तो यहाँ पे जो चलता ही रहेगा, अब उसको यहाँ पे जो है कोई भी बैन नहीं करता। इसके अलावा कोई और अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो प्लीज मेक श्योर फटाफट जाओ एंड फॉलो कर लो।